आपका शुभ नाम मैडम? कौशल्या पाटेकर। और कितने दिन से आप सरजम में आ रही हैं? मैं एक महीने से आ रही हूँ। एक महीने से आ रही हैं। क्या तकलीफ है आपको? मेरे हाथ पर में सूजन भी रहते हैं, दर्द भी रहते हैं जी। मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे काफी मतलब बेटर लग रहे हैं। काफी बेटर लग रहा है आपको? और मैं आती रहूँगी और आ भी रही हूँ एक महीने से जी। तो आपकी जो तकलीफ है उसमें कितना अभी तक राहत मिला आपको? मेरे तकलीफ में अब 25% तो मुझे शुरू में ही लग गए थे जी, लेकिन अभी कुछ और एक्स्ट्रा लग रहे हैं जी। पर मेरा थोड़ा सा गैपिंग हो जाते हैं जी। कोशिश करूंगी कि मैं कंटिन्यू आऊँ। मतलब आप रेगुलर नहीं आ पाते हो? हाँ, मैं रेगुलर। तो अभी आप कोशिश करोगे रेगुलर रहने की? तो आज आपको जो ये नई मशीन है जो हमारे सेंटर में लॉन्च हुई है मास्टर V4, इस पे थेरेपी लेके आपको कैसा लगा, कैसा महसूस कर रहे हो आप? इसमें थेरेपी लेके तो मैंने बहुत ही अच्छा फील किया जी। बाकी जितने मशीन है इतने से भी ये बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा फील हुआ। और ये मशीन में यदि एक महीना लोग करें तो अपना वजन भी घटा लेंगे, अपना प्रॉब्लम भी खत्म कर लेंगे। ये और क्या दूसरे मशीन से इसमें क्या खास बात है? इसमें बहुत सारे खास बात है। ये जो है जो ये है पेट में प्रोजेक्टर बोलते हैं, हाँ ये प्रोजेक्टर जो लेते हैं तो ये वाइब्रेशन दे रहे हैं, वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करते हैं तो इससे बहुत अच्छा बॉडी में हलचल हो रहे हैं जी और काफी रिलैक्स लग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो हलचल हो रही है उससे क्या क्या चीजें ठीक हो सकती है? इससे बहुत चीजें ठीक हो रहे हैं। जैसे इस तरीके से होगा जैसे हमारा नर्व ब्लॉकेज है उसको हिला रहे हैं, हमारे बॉडी है उसको हिला रहे हैं जी। तो इससे तो फर्क तो पड़ना ही है जी जी। तो और भी मशीन है, सभी मशीन में मैंने ट्राई किया लेकिन इससे ये बेटर है। मतलब मास्टर V4 और सारी मशीनों से बेटर है। तो आपके हिसाब से इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए? अब प्राइस को तो मैं नहीं कह सकती, फिर भी मैंने जितने मशीन का प्राइस पूछी थी हाँ से कम इसका तो कुछ ज्यादा ही होना चाहिए क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। फिर भी कितना होना चाहिए आप एक अनुमान लगाइए क्या होगा कीमत? अनुमान तो मैं उतना नहीं बोल सकती लेकिन उन लोगों को भी मैं क्लियर जानती नहीं हूँ जी, लेकिन इसका तो उन लोगों से डेढ़ गुना ज्यादा ही होना चाहिए जी जी। अगर वो 1 है तो इसका तो 2.5 होना ही चाहिए जी जी। इसमें जो खासियत है उनमें उतना नहीं, उसमें इसमें का ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। अच्छा वाइब्रेट होता है जी जी, जी। चलिए ठीक है, सरजम आते रहिए। और एक चीज और बताइए, सरजम में थेरेपी लेने का कोई पैसा लगता है क्या? नो सर, पैसा तो नहीं देते हैं। आपने कुछ पैसा दिया क्या? जी नहीं, हम पैसा नहीं देते हैं, हम ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही हमारा सेवा करते हैं यहाँ के लोग। और सरजम में कोई दवाई वगैरह खाने के लिए बोलते हैं? नो, कोई दवाई खाने के लिए नहीं, कोई परहेज नहीं है, बस आओ गर्म पानी पी के और लेटो, आधा घंटा का हमारा जो ये थी इससे हमें काफी राहत मिल रहा है। कभी किसी पैसा के लिए, कभी किसी सेवा के लिए कमी नहीं की। तो लोगों को क्या बोलना चाहेंगी? मैं लोगों को बोलना चाहूंगी जो मुझे फील हो रहा है उन्हीं को बोलूंगी कि सरजम आए, अपना थेरेपी कराए, अपना सेवा कराए और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं किसी ने पैसा मांगा है, नहीं किसी ने सेवा करने में काम किया। आप ज्यादा से ज्यादा अपना यहाँ का प्रचार दें। और आप कौन से सेंटर में थेरेपी ले रही हैं अभी? जगह क्या है? मतलब कौन सी जगह में है? ये चौक का नाम नहीं जानते? कलेक्ट्रेट चौक। हाँ, कलेक्टेड चौक, महिंद्रा ट्रैक्टर के ऊपर, महिंद्रा ट्रैक्टर के ऊपर, जांजगीर। जांजगीर, आप छत्तीसगढ़ के जांजगीर सेंटर में अभी थेरेपी ले रही हैं? हाँ, मैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर सेंटर में जी ले रही हूँ। चलिए ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद सरजम पे विश्वास करने के लिए। थैंक यू।